बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है कि कल ज़िला कसूर के अंदर एक बड़ा टाकरा ज़िमनी इंतखाबात की शक्ल में होने जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक रशीद अहमद ख़ान और जबकि पीटीआई के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर हैं। इन दोनों के दरमियान एक कांटेदार मुकाबला है, जबकि ज़िला कसूर के अंदर जो है वो दफ़ा 144 भी नाफज की गई है। इसी के बरक्स अगर बात की जाए तो दो दिन पहले मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ और उसमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने शिरकत की, अहदादारान ने शिरकत की। उसी के बाद एक दिन बाद जो है वो दफ़ा 144 नाफज की गई, तो पीटीआई के अहदादारान ने वो जो जलसा किया, उस जलसा गाह को किस तरह भरा गया, कितने जो कारकुनान ने शिरकत की और जिसमें पीटीआई के अहदादारान में शेल अफजल मुरवत भी वहाँ पर तशरीफ़ लाए और जलसे को जो है वो उन्होंने चार चांद लगाए। इसी के बाद ज़िला कसूर की इंतज़ामिया मुतहरक हुई और उन्होंने मुतहरक होने के बाद सबसे पहले तकरीबन कोई 400 से अबव लोगों के जो है वो FIR दर्ज की, जिसमें दफ़ा 144 की जो है वो खुलम खुला खिलाफ वर्जी की गई और उसमें ये दफात भी लगाई गई कि वहाँ पर जो है असला। इसी पर बात करते हैं और आगे लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में वो लोग बताएं क्या ये बिल्कुल दुरुस्त हुआ कि पीटीआई के अहदादारान, सुन्नी तहरीक कौंसिल के अहदादारान और कारकुनान की जो FIR दर्ज हुई है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, इस पर आप क्या कहते हैं। दूसरी तरफ 21 अप्रैल को जो है इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन बहुत कांटेदार होगा, देखते हैं कौन इस पर बाजी लेके जाता है। बात की जाए चंद दिन पहले जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन गुजरा उसमें ये सीट जो है NA 132 के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने ये NA 132 से जो है वो सीट विन की थी और उनके सीट छोड़ने के बाद आज इस पर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होने को तैयार है। एक कांटेदार मुकाबला है, देखते हैं कि कल ये किसको कितने ज़्यादा वोट डलते हैं और ये सेहरा किसके सर सजता है।